मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद प्रियंका। तो हो गई है यहाँ पे एक नए दिन, एक नए सुबह की शुरुआत। और सुबह तो ऐसी हुई है कि इतनी धूप सर पे आई पड़ी है। एक्चुअली धूप आने का कारण है कि टाइम भी हो चुका है। तो अभी बज रहा है अराउंड कुछ 8:30 बज रहा होगा, 8:45 हो रहा है। और जैसे कि हमने आपको कल बोला था कि हमें आज अर्ली मॉर्निंग निकलना है, क्योंकि हमारा आज का टाइम सिर्फ फर्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ में हम वापस बैक टू हनोई हो रहे हैं। लेकिन एज यूजुअल नींद नहीं खुली, बिकॉज कल की इतनी थकावट थी, इतनी क्या बताऊं आपको कि अभी सुबह भी उठने का मन नहीं कर रहा था। बट देन टू लास्ट डे है इन सापा, तो कैसे कैसे करके उठे हैं। और अभी क्या क्या स्टेटस है कि अभी हम जा रहे हैं पहले नीचे, नीचे जाके हम पहले सोचेंगे कि ब्रेकफास्ट करेंगे। हम फ्रेश हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, देन वापस आएंगे, रेडी होंगे, देन निकलेंगे, बिकॉज चेकआउट भी करना है। तो सारी चीज़ें फैली हुई हैं अभी, और उसको भी समेटना है। तो फटाफट से जाते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके वापस ऊपर आते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो मिलते हैं आपको नीचे ब्रेकफास्ट पे। बाय बाय। ब्रेकफास्ट टेबल पे हम आ चुके हैं, नाश्ता भी ले लिया। और आपको अभी रश दिखाती हूँ, एक बार आप देखो कितना रश है आज। तो मेबी सब वापस जा रहे हैं, बिकॉज टुडे इज लाइक संडे, तो हो गया मंथली चेकआउट है। और यहाँ तो टाइम भी हनोई का 6-7 घंटे लगता है। तो बाहर से देखो जो भी मुझे बस वस आए हम रुक जाएंगे, बट हमारा प्राइवेट कार है तो हम उसको 3 बजे बोले हैं। यस, क्योंकि अभी हम एक जगह जाना है तो वहाँ का हम कवर करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। और ब्राउनी का नाश्ता हो चुका है ऑलरेडी, अभी हमारा नाश्ता चल रहा है। सेम हम नाश्ता कल की तरह ही कर रहे हैं, सेम टू सेम ये हैं सारी चीज़ें। सो फटाफट से फिनिश करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको अब तैयार होकर सीधे। हमने अपने रूम से टाइम लैप्स से ये वीडियो शूट किया है, देखिए वेदर कितना फ्रीक्वेंट चेंज होता है यहाँ पर। हम लोग हो चुके हैं तैयार, ब्राउनी को थोड़ा सा राउंड मरवा रहे हैं ताकि वो शुशु बॉडी जो भी वो कर ले, क्योंकि इसको भी हम लोग यहाँ छोड़ के जाएंगे 3-4 घंटे के लिए। हम जाएंगे अभी 3 घंटे के लिए मोस्टली, और जहाँ जाना है बहुत लेट हो चुके हैं, 11:30 ऑलरेडी बज रहा है। और बस अभी हम निकलेंगे फटाफट से, इसको बस सेटल कर दे ब्राउनी को, फिर 5 मिनट में हम यहाँ से निकलते हैं, फिर सीधे आपको मिलते हैं हम डेस्टिनेशन पॉइंट पे। ये यहाँ से व्यू है, अभी हम नीचे गए नहीं है मतलब उस एरिया में, बट यहाँ देखिए सारी चीज़ें, काफ़ी माउंटेन का तो बहुत प्यारा सा व्यू है। एंड बाकी लोग हैं तैयार हो गए फोटो कर रहे हैं। गुड, चलते हैं एक एक चीज़ पे स्पेसिफिकली नीचे। प्रियंका पहले से खुशी से पागल हो रही है, कहीं खड़ी है, पहले बुला रही है मुझे फ़ोटो के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द कैफ़े, और उसके अंदर ये बहुत प्यारा प्यारा सा सेटअप किया गया है फोटो के लिए, प्लेसेस है। प्लस आप वहाँ को देखो, व्यू देखो, लाइक इट्स ब्यूटीफुल। और पूरा का पूरा लाइक क्लाउड नीचे आया हुआ है, हाफ ऑफ द पोर्शन तो दिख ही नहीं रहा है। वो सारे राइस फील्ड्स भी हैं जो ऐसा टेरेस फार्मिंग है राइस वाला। एंड यहाँ से आपको पूरा सापा टाउन भी दिख रहा है, ये व्यू ये काफ़ी अमेजिंग है बहुत। और अभी बहुत सारे ऐसे फोटो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम फोटो खिंचाने वाले हैं, और आपको भी दिखाते हैं। सो पहले तो अभी ये देखो, ये प्यारी सी आर्किटेक्चर बनी हुई है जहाँ पे ठीक है, अभी यहाँ बहुत रील्स फोटोज होंगे, उसके बाद मिलते हैं। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find?
You're sick of my madness,
Don't you tell me what I supposed to do? You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do when I'm walking on the streets half naked? It's part of me, it's part of me. When I'm making my brain makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do. तो हो गया यहाँ का हमारा काम, बहुत अच्छा टाइम रहा हमारा यहाँ पे, बहुत सारे फ़ोटोज़, बहुत वीडियोस, बहुत सारे रील्स, सब कुछ था, बहुत अच्छा प्यारा जगह था, तो अच्छा टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं किसी कैफ़े में थोड़ा देर बैठेंगे, उसके बाद फिर ब्राउनी के पास चल जाएंगे, बिकॉज़ फिर हम निकल जाएंगे। सो यहाँ पे हम आ गए हैं अनदर कैफ़े और सपा जस्ट टू हैव कॉफ़ी, कुछ ड्रिंक लेते हैं और थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे एंड देन निकलेंगे, बिकॉज अगेन ब्रॉनी हमारा वेट कर रही है। एंड वी ऑल्सो आस्क ड्राइवर टू कम अर्ली, क्योंकि हमारा वहाँ का जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे काम बहुत जल्दी हो गया, तो हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी निकल जाएंगे, तो फटाफट से बस यहाँ पे ड्रिंक कवर करेंगे एंड देन निकलेंगे। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, हालाँकि ये वाला व्यू हम कल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट देन टू हम यहाँ पे एकदम मिड में हैं अभी, और दिस प्लेस इज़ ऑल्सो सो गुड। सूरज इज़ हियर, अभी हम थोड़ा सा थके, फ़ोटो खिंचा के बहुत सारी और अभी मिलते हैं आपको। ये कॉफ़ी ख़त्म करके, अब कॉफ़ी नहीं, क्या हुआ है तुमने? मेरा चॉकलेट मूज़। ओके, चॉकलेट मूज है। आई 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 मेरा क्या है? ब्लूबेरी योगर्ट मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे आ गया है हमारा ड्रिंक और फटाफट से अब इसको ख़त्म करेंगे। Here is the ring, और ये सूरज का मूज़ है, और बस अब उसके बाद हम निकलने वाले हैं, तो बस जाएंगे। हमने सामान ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है, सारा सामान हमारा बाहर ही रखा हुआ है, तो बस हमें जाना है, ब्राउनी को पिक करना है एंड देन बैक टू हनोई। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। हमारा कार आ चुका है, टाइम हो गया है 1:45। हमारा 3 बजे का पहले बुकिंग था, बट हमने उसको जल्दी करा लिया क्योंकि कुछ काम था, नहीं हो गया था हमारी चीज़ें फिनिश, तो जल्दी जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे घर। ब्राउनी का एक राउंड मराया जा रहा है। सो हियर वी गो, हम निकल चुके हैं सापा से, मतलब ऑन द वे हैं, होटल से जस्ट स्टार्ट किया है और डिसेंट हमारा शुरू हो गया है। अगर आप देखोगे तो माउंटेन के नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे। सो काफ़ी अच्छा ट्रिप था हमारा, अभी आगे रास्ता भी इंजॉय करते हैं घर के लिए।
उतर चुके हैं, प्लेन रोड आ गया है। अब यहाँ से थोड़ा फास्ट होगा ट्रैवल, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट एक घंटा लग गया हमें टॉप ऑफ द हिल से, मतलब सापा से नीचे आने में, प्लेन्स में आने में। बेसिकली 40 किलोमीटर्स है, बट ट्रॉक से एक घंटा लगा हमें, बिकॉज एक तो रास्ता घूम घूम के होता है और थोड़ा ट्रैफिक भी था। हमने यहाँ लिया अपना फर्स्ट ब्रेक, अप्रॉक्स मतलब 2 घंटे 45 मिनट के ड्राइव के बाद पहला ब्रेक लिया है। अब हम यहाँ से 150 किलोमीटर है, 154 किलोमीटर्स, और रुके हैं अभी। अभी हमारा ड्राइवर कुछ खाएगा पिएगा, वॉट एवर इट इज़। अभी हम लोग देखते हैं, प्रियंका भी उतर रही है, ब्राउनी मेरे साथ है नीचे, इसको हम टॉयलेट कराने के लिए टहला रहे हैं। और अभी फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फायदा, और कोई स्टॉप नहीं लेंगे, बिकॉज अब 150 किलोमीटर में डायरेक्ट चल जाएंगे आई होप गैस। तो अभी ये आ गई है मैडम नीचे, सो के चश्मा लगा के रखी है इसलिए। ठीक है, अब स्टार्ट होता है तो मिलते हैं। मैंने भी एक ले लिया, बिकॉज इतना टेस्टी था ये और इतना मीठा पानी था पहले से। फिर हाँ, ये थोड़ा सा मैंने पी के देखा तो फिर मैंने अपना ले लिया। अब मैं इसको अपने से नहीं दूंगा, इसका जो था वो सिर्फ मैंने रेंट पे लिया था। तो अब हम ब्रेक के बाद निकल पड़े हैं यहाँ से। अब हमने वही मतलब एक ही ब्रेक का ज़रूरत है मुझे लगता है, बिकॉज हमने मिड में ही लिया है 2 hours 45 के ड्राइव के बाद, 2 hours 45 minutes चलने के बाद। और ये अब धीरे धीरे शाम की तरफ जा रहा है मौसम, ऐसे भी क्लाउडी था तो ऐसा वेदर दिख रहा है अपने को। नहीं से अब मैं आगे आ गया हूँ ताकि थोड़ा सा वीडियो कैप्चर करूँ आगे रोड का, क्योंकि अब तक मैं पीछे बैठा हुआ था साथ में प्रियंका और ब्राउनी के, तो आगे का वो जूम करके लेकर उसको उतना सही नहीं आता। बट अब मैं आगे की सीट में शिफ्ट कर गया हूँ आफ्टर द ब्रेक। अब यहाँ से कुछ कैप्चर करेंगे व्यूज़ मतलब रास्ते का, और देखते हैं आगे जैसे जैसा मौसम दिखता है वैसा दिखाएंगे आपको। अभी मैं तो अकेले आ नहीं सकता था आगे, तो ब्राउनी भी मेरे साथ आगे में आ चुकी है। अब मैं और ब्राउनी आगे हैं, प्रियंका पीछे बैठी है। अब चलते हैं आगे। मौसम एकदम बारिश का हो गया है, अभी कुछ देर में बारिश शुरू हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखते हैं भी कैसा मौसम है, बारिश होगा तो डेफिनेटली हमारा स्पीड भी थोड़ा स्लो हो जाएगा, बट लेट्स सी, उतना जल्दी पहुँच जाए उतना अच्छा है। जिसका डर था वही हुआ है, बारिश हो गया शुरू, हल्की हल्की बारिश अब शुरू हो गई है। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं बारिश काफ़ी तेज़ हो गया है। बारिश की वजह से हो रही है ना, बहुत तेज के बादल गरज रहे हैं, डर नहीं पीछे पक गई है। कुछ दूर आने के बाद यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं है, यहाँ पर इसलिए यहाँ बारिश हुआ ही नहीं है। बेटर है यहाँ, हम शायद स्पीड अब रिकवर कर लेंगे और पहुँच जाएंगे टाइम से। चलते हैं अब आगे, देखते हैं, पता नहीं कुछ देर बारिश मिला है कभी नहीं मिला है, तो आगे हो सकता है कि फिर मिल जाए, नेवर नो, लेट्स सी। धीरे धीरे शाम भी हो रहा है, कुछ देर में अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तो जल्दी पहुंच जाना चाहिए हमें। और हमें मिल गया ये भुट्टा, तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं ये गर्म गर्म भुट्टा, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, भुट्टा खाएंगे और अराउंड 30 मिनट और बाकी है घर पहुंचने के लिए 45 तो बस खा के थोड़ा सा ब्राउनी को टेरा के
पर निकलेगा। फाइनली पहुंच गए हैं सोसाइटी के अंदर। सो अभी बज रहा है 7:40 के आसपास और हम घर पे पहुंच चुके हैं, मतलब 5-6 घंटे में पहुंच गए। काफ़ी अच्छा टाइम लगा बट पहुंच गए, मतलब बारिश होते हुए भी ये काफ़ी बेहतर टाइम है। हमने आधा घंटा 45 मिनट का टोटल ब्रेक भी लिया होगा क्योंकि दो जगह रुके थे हम, एक जगह वो नारियल पानी पिया था एंड दूसरी जगह वो भुट्टे के लिए। तो कंसिडरिंग दैट बहुत अच्छे टाइम पर हम आ गए, बारिश भी थोड़ा स्लो किया था हमारा ओवरऑल जर्नी का स्पीड, बट वेरी गुड है। मतलब हम 5:45 मिनट पहुँच चुके हैं तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। अब डिनर के लिए हम कहीं बाहर भी जा सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने घर और अभी टाइम हो रहा है कुछ 8 बजने वाला है या 52। तो अच्छा टाइम पे हम पहुँचे हैं कहीं पे, हमें इतना ट्रैफिक भी नहीं मिला और बारिश हुई है, यहाँ पे भी बारिश हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा भींगा हुआ है, बारिश हुई है। तो बस ओके, सो अब टाइम टू टेक रेस्ट, चलते हैं घर की ओर, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम घर और घर पहुँचे में बहुत टाइम हो गया है। आराम से बैठे, थोड़ा रेस्ट किए, चाय पिए, टीवी देखे और अभी हम निकले हैं बाहर डिनर के लिए। तो डिनर में कुछ खास नहीं आए हैं अभी, हम मैकडॉनल्ड्स और मैकडॉनल्ड्स का मील लिया है हमने, बस डिनर करेंगे और उसके बाद घर को वापस इंडियंस हो जाएंगे बिकॉज कल से मंडे को वापस से रूटीन स्टार्ट। सो होप सो कि आपको हमारा साफा का ये ट्रिप पसंद आया होगा एंड मिलते हैं फिर आपको एक नए ब्लॉग, एक नए दिन और एक नई ट्रिप के साथ, या तो फिर कहीं भी हम लोकल कहीं घूम रहे हैं तो उसके साथ मिलते हैं। डेली ब्लॉग्स अभी हम नहीं डालेंगे, हम मे बी धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए डू शेयर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद प्रियंका। गुड नाइट एवरीवन।